कैसे मेरे बच्चों, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और सेफ होंगे, महफूज होंगे। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसमें उसने कुछ माहौल इस तरह से बनाया है कि तीन लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तीन पार्टनर हैं और वो किसी जो है वो बिजनेस में अपना अपना जो है वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ उसने बताया कि जो पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है टोटल वो 18,000 है कारोबार में, सेकेंड की जो है वो 16,500 जो है वो इन्वेस्टमेंट है और थर्ड पार्टनर की जो है वो 12,500 रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट है। और साथ उसने ये बताया कि जो तीसरा पार्टनर है उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है इस इन्वेस्टमेंट से वो 4,625 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ है। वो कहता है कि आप ये बताइए, अगर थर्ड पार्टनर का जो टोटल प्रॉफिट है वो 4,625 हो तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा और फिर फर्स्ट और सेकंड के हिस्से में कितना कितना जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों पार्टनर की रेशो बनाएंगे और रेशो वो कैसे बनेगी, जो उनके जो शेयर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। पहले पार्टनर की टोटल कितने जो है वो इन्वेस्टमेंट थी, 18,000 रुपये थी। दूसरे पार्टनर की 16,500 रुपये जो है वो शेयर था और जो तीसरा पार्टनर है उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 12,500 रुपए थी। अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो हमारे पास सिंपलीफाइड वैल्यूज क्या बनती है, यहाँ पे ये 00 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 55 में डिवाइड होगा, तो इसकी मोस्ट सिंपलीफाइड वैल्यूज आती हैं वो 36, 33 और 25 आती है। यानी तीनों पार्टनर के जो शेयर्स हैं उनकी जो सिंपलीफाइड वैल्यूज हैं वो बिलतरतीब ये होंगी। फिर हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे। ये जो अभी हमने रेशो निकाली है इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसका जो टोटल बनेगा वो 94, यानी टोटल 94 जो है वो हिस्से डाले गए, जिनमें से 36 जो है वो पहले पार्टनर के हैं, 33 जो है वो शेयर्स सेकंड पार्टनर के हैं और 25 शेयर्स जो है वो थर्ड पार्टनर के हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है और टोटल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड जो पार्टनर था उसके जो प्रॉफिट गिवन है इसको हम लोग यूज करेंगे और उसका जो फार्मूला बनता है यकीनन हम लोगों ने पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर इसी तरीके से इनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है कि प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर वो क्या होता है, जितने शेयर हैं थर्ड पार्टनर के उसको टोटल पे क्या कर देंगे, टोटल शेयर पे डिवाइड कर देंगे और प्रॉफिट के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट के साथ। और यहाँ पे हम लोग टोटल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, अज्यूम कर देंगे और उसको क्या नाम दे देंगे, एक्स का। तो यहाँ पे एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टनर के जो प्रॉफिट था वो 4,625 रुपए था, ये हम लोग इसकी जगह पे पुट कर देंगे और ये जो 94 इधर डिवाइड हो रहा है वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूं जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 17,390 रुपए आ रहा है। यानी तीनों पार्टनर का जो टोटल प्रॉफिट है वो 17,390 रुपीज बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और वो क्या तरीका है, फर्स्ट पार्टनर के जितने हिस्से होंगे उसको टोटल हिस्सों पे क्या कर देंगे, डिवाइड और टोटल प्रॉफिट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट पार्टनर के टोटल कितने शेयर्स थे, 36 थे, 94 टोटल शेयर्स बनते हैं, उनपे डिवाइड करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 17,390 इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यूं हमारे पास जो इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू आएगी वो 6,660, मतलब फर्स्ट पार्टनर के जो प्रॉफिट बनता है वो 6,660 रुपीज बनता है, वो इसको मिलेगा। फिर इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर, तो वो क्या होगा, वो उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 33 हैं, 94 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड पर टोटल शेयर्स बनते हैं, 17,390 जो टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया है उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यूं इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो 6,105 रुपीज बनेगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो पार्टनर है उसकी जो शेयर्स हैं जो उनका जो प्रॉफिट है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान सा सवाल था, इजी सा क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। तो इसी तरह की एक एग्जांपल है आप लोगों की बुक में, चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी 1.1 एक्सरसाइज से पहले इसी जैसी एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने मेरे बेटा अच्छे से सॉल्व कर लेनी है, उसको समझ
समझना है और मेरे साथ जरूर शेयर करना है अगर आप लोगों को उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम कोई या वो कन्फ्यूजन आती है तो। ठीक हो गया, तो बेस्ट ऑफ लक मेरे बेटा, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।